नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। राजस्थान के करौली में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के विरोध में अलीगढ़ करनी सेना के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार के विरोध में राष्ट्रपति के नाम विज्ञापन भी सौंपा गया है। करनी सेना के जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के करौली में हिंदुओं द्वारा हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में भगवा रैली निकाली जा रही है, जहां भगवा यात्रा पर एक विशेष समुदाय समाज के लोगों ने पत्थरबाजी कर भगवा यात्रा को रोकने की कोशिश भी की। गत दिनों हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में राजस्थान के करौली में भगवा यात्रा एक हिंदुओं द्वारा निकाली जा रही थी, तो जिसका संप्रदाय विशेष के लोगों ने विरोध किया था और उस पर पत्थरबाजी की थी, और उसके पश्चात वहां आगजनी की घटनाएं हुई। हिंदुओं के व्यापारों को, दुकानों को जलाया गया, प्रतिष्ठानों को जलाया गया तथा उनको हमला कर घायल किया। कुछ हिंदू मृत भी हुए थे उसमें। उसी संबंध में आज ये ज्ञापन करनी सेना अलीगढ़ की टीम द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया है। करनी सेना जनपद अलीगढ़ शाखा के लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें राजस्थान में करौली क्षेत्र में हिंदुओं की शोभा यात्रा पर दूसरे धर्म के लोगों द्वारा कुछ अराजकता की गई थी, उसके विरोध में इनके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। उनके विरुद्ध कार्रवाई को यथाशीघ्र पहुंचा दिया जाएगा। पीलीभीत में ईंट भट्टा कारोबारियों को अब और ज्यादा टैक्स की मार झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही अब नया मकान बना रहे लोगों को भी इसकी मार झेलनी पड़ेगी। दरअसल ईंट भट्टा कारोबारियों पर सरकार ने टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। जहां पहले 6% GST देनी पड़ रही थी, वहीं अब 12% GST देनी पड़ेगी, जिससे ईंट और ज्यादा महंगी हो जाएंगी, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। देखिए, भट्टे एसोसिएशन और भट्टे के समुदाय में जो बदलाव करा गया है, उसमें क्या कहा है, पहले ईंटों पे रेट ऑफ टैक्स दो तरीके का था। एक, अगर भट्टे वाले कंपाउंड स्कीम लेते हैं तो उनको सेक्शन 10(1) के अंतर्गत 1% टैक्स ऑन द सेल जमा करना पड़ता था। अब क्या है कि जो भट्टे वाले समाधान नहीं लेंगे उनको 5% टैक्स पे करना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि अब भट्टे वाले समाधान नहीं ले सकते, सेक्शन 10(1) के अंतर्गत उनको कंपाउंडिंग स्कीम लेना एलिजिबल नहीं माना गया। अभी जो नोटिफिकेशन 31 मार्च को जारी करा गया, उसमें उन्होंने कहा है कि सेक्शन 10(1) के अंतर्गत अब कोई भी भट्टे वाला कंपाउंड स्कीम का पार्ट नहीं हो सकता। भट्टा स्वामी को क्या फायदा हो सकता है इसमें, जब पहले हम लोग 1% कंपोजिशन स्कीम लेकर के व्यापार करते थे, अब वो कंपोजिशन स्कीम समाप्त कर दी गई है। 1 अप्रैल से 31 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया है। अब कंपोजिशन स्कीम समाप्त करते हुए 2 स्लैब दिए गए हैं, 6% टैक्स या 12% टैक्स। 6% टैक्स हमें इनपुट नहीं मिलेगा, 12% पे हम इनपुट ले सकते हैं। 5% तो मिनिमम बढ़ोतरी हुई है। दिनेशपुर में श्री हरिचांद गुरचांद धर्म मंदिर कमेटी और वर्तमान आचार्य के बीच चल रही वर्चस्व की जंग पर आचार्य ने अपना पक्ष रखते हुए समिति अध्यक्ष द्वारा उनका उत्पीड़न होने की बात कही। बता दें कि नगर स्थित मथुआ समुदाय का श्री हरिचांद गुरचांद धर्म मंदिर के तत्कालीन स्थापक और आचार्य गोपाल जी महाराज के निधन के बाद मंदिर में आचार्य की गद्दी उनके पुत्र और शिष्य विवेकानंद महाराज ने संभाली है, और तभी से मंदिर कमेटी और विवेकानंद महाराज के बीच विवाद चल रहा है। वर्तमान आचार्य विवेकानंद ने चुप्पी तोड़ते हुए बैठक का आयोजन कर कहा कि समिति के पदाधिकारी द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें नहीं दिया गया। रहते हुए समिति नहीं बना था, फिर बाद में समिति बनाया, 2 ग्रुप हो गया, फिर 2 ग्रुप एक होके विजयनगर जाके खानपुर नंबर 1 पे शुंभू सरदार के घर जाके सारे मिलके समिति बनाया, तो अब मेरा पास आया। हमें पूछा भी नहीं कि हम लोग समिति बनाने के लिए जा रहे हैं, फिर भी मैंने मान गए। आके बताए कि हम समिति बनाया, सारे हम मिल गए, तो मैंने मान के सबसे पूछा कि सब मिल गए, बताया हाँ हम सारे मिल गए, तो मैंने सिग्नेचर कर दिया। मिल गए तो हमें कोई विरोध करने का ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि सारे मिल के एक होकर चले, मंदिर संस्था आगे बढ़ाए। ये पूरा जो समाज है, बंगाली समाज यहाँ रहते हैं और हम सब एक है। हम चाहते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट यहाँ ना हो, जो भी मुकदमाबाजी ये लोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि दोनों टीमों को एक जगह बुला के एक समाधान निकाले, ताकि इस तरह से जो समाज
के प्रति अन्य लोगों का जो मत जा रहा है, जो विभेद सृष्टि हो रहा है, वो ना हो। सब ये जाने कि जितने भी बंगाली लोग हैं, जो भी ये संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी ये संप्रदाय को ज़्यादा भक्तिमान से प्रेम करते हैं, वो सब एक 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 है और सब एकत्रित रहना चाहते हैं। आज हरिचार गुरुचार मंदिर में एक बैठक हुई है। बैठक में जो आगामी जो गोपाल जी महाराज के मृत्यु के उपरांत, उनके देह अवसान के उपरांत आपसी एक दो गुट हो गया, दौड़ धड़ा बढ़ गया है, और मेन जो है ये आपसी संपत्ति का जो विवाद का मामला चल रहा है, इसीलिए एक बैठक किया गया। मेरा ये मानना है कि जो भी संपत्ति है यहाँ हरिचरण गुरुचरण ट्रस्ट के नाम होना चाहिए। और मैं यहाँ के लोगों और यहाँ के संप्रांत लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि विवाद हम लोग सुलटाएं, और ना कि किसी के नाम संपत्ति हो, ये हरिचरण गुरुचरण के नाम संपत्ति चाहिए और आपसी विवाद खत्म होना चाहिए। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के मुख्य आरोपी मुर्तजा की कोर्ट ने रिमांड बढ़ा दी। बता दें कि सोमवार सुबह एटीएस ने मुर्तजा को गोरखपुर कोर्ट में पेश किया, या उसे फिर 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया गया है। इससे पहले उसे 7 दिनों की रिमांड पर रखा गया था। आज यहाँ अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस और शाहपुर की पुलिस ने संयुक्त रूप से पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने के लिए आवेदन किया था न्यायालय में। न्यायालय ने बहस के उपरांत ये पाया कि नहीं, अभी जुडिशल पुलिस कस्टडी रिमांड देना जरूरी है विवेचना के लिए, जांच के लिए। इस आधार पर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस कस्टडी रिमांड को 16 अप्रैल तक बढ़ा दिया। जिस दिन पकड़ा जाता उससे 14 दिन तक मैक्सिमम ये पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जा सकता है, तो अभी 16 तारीख तक इसको बढ़ाया गया। तो इसके आगे भी क्या लगता है कि अगर एटीएस अपील करेगी बढ़ाने के लिए? विशेष परिस्थितियों में 2-1 दिन तक फिर बढ़ाया जा सकता है। वैसे हमारे अनुसार एटीएस हो सकता है इसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड न ले और वो को अहमद मुर्तजा को स्पेशल कस्टडी रिमांड में भेजिए। मुर्तजा अब्बास की जो सजा है वो बढ़ा दी गई है। गोरखनाथ मंदिर में ये हमला हुआ था जिसका मुख्य आरोपी मुर्तजा था, कोर्ट ने जिसकी रिमांड बढ़ा दी। बता दें कि सोमवार सुबह एटीएस ने मुर्तजा को गोरखपुर कोर्ट में पेश किया, यहां उसे फिर से 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया। दरअसल एटीएस ने कहा था कि उन्हें मुर्तजा के जो रिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ानी है। उसी सिलसिले में कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में ही ये रहेगा। इससे पहले उसे 7 दिनों की रिमांड पर रखा गया था। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों को मथुरा के अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं। दरअसल मथुरा के ब्लॉक फरहा के गांव खरौटा की जनता गर्मी के पानी के परेशान है, जिसके बाद खरौटा की महिलाओं ने जिला पंचायत अधिकारी की चौधरी से ऑफिस को घेर लिया और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। गाँव की महिलाओं ने बताया कि लगातार राजीव भवन में स्थित DPRO पर कई दिनों से पानी की समस्या को लेकर वो आ रही हैं, लेकिन महिला अधिकारी हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रही। रुद्रपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम बनने के बाद आज पहली बार रुद्रपुर पहुंचे, तो वहीं सीएम के पहुंचते ही पुलिस लाइन में कार्यकर्ताओं को मिलने नहीं दिया गया, जिसके कारण कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के साथ धरने पर बैठे हैं। गाजियाबाद में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां गौशाला में आग लगने से करीब 3.5 दर्जन गायों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आग लगने की सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटनास्थल पर DM राकेश कुमार सिंह और कार्यवाहक SSP मुनिराज मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पूरी घटना की जानकारी दी। देवघर में रविवार की शाम त्रिकुट रोपवे जैसे ही स्टेशन से चालू हुआ, तो पहाड़ की चोटी पर स्थित रोपवे के UTP स्टेशन का रोलर अचानक टूट गया। इस कारण सबसे पहले ऊपर की एक ट्रॉली 40 फीट नीचे खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोग सवार थे। स्थानीय लोग और रोपवे कर्मी ने मिलकर उस ट्रॉली में फंसे 5ों को बाहर निकाला। इस हादसे के दौरान रोपवे की बाकी 23 ट्रॉली 7 फीट नीचे अचानक लटक गई। इसमें सबसे नीचे की 2 ट्रॉली पत्थर से टकरा गई। इन दोनों ट्रॉली में सवार सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे।
अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के जिला अस्पताल पर मेडिकल कराने आए पीड़ितों के साथ दबंग लोगों ने मारपिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि इस घटना के समय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। पुलिस के सामने ही दबंग मारपिटाई करते रहे। रामनवमी के मौके पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पूजा नंदगिरी ने भूपतवाला सर्वानंद घाट पर गरीबों को अलवे का प्रसाद वितरित कर मां गंगा से देश में सुख शांति की कामना की और सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी गई। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पूजा नंदगिरी ने कहा कि भगवान राम मर्यादित आचरण के आदर्श और श्रीहरि के श्रेष्ठ अवतारी हैं। उनके जन्मोत्सव में भक्त सम्मिलित होते रहते हैं। आज नवरात्रि का आज नवमी है, रामनवमी, जिसको हम बहुत उमंग से और उत्साह से बनाते हैं और ये सालों सालों से परंपरा चली आई है। और हम संतों का ये नियम है, मैं घर में सभी नवमी बैठाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा गंगा घाट चलो, उन बेसहारा लोगों को भी देखिए जो घाट पे बैठे रहते हैं। मैंने उनके साथ आज रामनवमी बनाई है और मेरे जितनी भी देशवासी हैं सभी को मैं रामनवमी की बहुत आतिश शुभकामनाएं देती हूँ कि सभी खुशियाँ हैं, ये संसार है और जीवन में आप सदा खुश रहो। और में अवैध कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पुलिस ने 7 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इसमें सर्विलांस और स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जनपद बिजनौर की स्वाट और सर्विलांस टीम तथा थाना नेहटौर की पुलिस द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है। इसमें एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, जो अब मिश्रित शराब बनाता था, जो लोगों के ना केवल जीवन से खेलता था बल्कि सरकार को भी राजस्व की हानि इससे हो रही थी। ये पूरा का पूरा गैंग जो है ENA के द्वारा फर्जी बोतल, एक ब्रांड आती है फाइटर, उसके नाम से ये बनाते थे। अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा चौराहे पर पूर्व राज्य मंत्री सुरेश पासी का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान क्षेत्र के सभी भाजपा कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। फर्रुखाबाद नाई स्थित सभासद के आवास पर पुलिस ने छापा मारा। सूत्रों के अनुसार IPL सत्र में लिप्त होने के चलते सभासद के आवास पर छापेमारी की गई। वहीं छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वहां पर भारी मात्रा में फोर्स तैनात कर दी गई। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 मंजिला इमारत में आग लग गई, जहां एक महिला झुलस गई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने और गांव के लोगों ने आग पर काबू पाया है। मेरठ में किन्नर के घर पर बदमाशों ने धावा बोलकर 5 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए, जिसके बाद किन्नर का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मेरे साथ ये हो, ये है कि रमज़ान चल रहे थे, मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी रोज़ा इफ्तार करने के लिए। यहाँ पे 4-5 आदमी आए और क्या नाम है, एक का नाम क्या है अफसर, वो आदमियों को लेके आया। उनने मेरे क्या नाम है आके फायरिंग वायरिंग करी और मेरे घर में लूट करके ले गया। और क्या नाम है, मेरे 5 लाख रुपये केस रखा था, 4 मेरी अंगूठी रखी थी सोने की, 4 मेरी चैने थी और आधी किलो भैया मेरी चांदी थी। ये मुझे लूट के ले गया, मुझे बर्बाद करके ले गया। भैया मैं जानती नहीं कौन है, उसके दगर्द पिस डलवाओ, उसे लाओ भैया पकड़ के। मुझे मेले वालों ने फोन करके कहा कि तुम्हारे घर में बदमाशों ने क्या नाम है बंदूकें चला रखी, गोलियां चला रखी। जब मैंने घर में आके देखा तो मेरे घर का हालत ये थी भैया। पहले लूट करके लेके गए ना, और मुझे ये धमकी दे के गए क्या नाम है इसका, तो रोजा खोलने दे, तुझे रोजा खोलने के बाद तेरा मर्डर करेंगे हम। धमकी यही दे के गए कि तेरा मर्डर करेंगे रोजे के बाद आके। किस तरीके से आपको धमकी दी, आपके सामने आकर दी? नहीं, मैं पीछे थी, ये मेले वाले बता रहे मुझे कि हम दोबारा फिर आएंगे इसके पास। किससे कह के गए ये बात? ये मेले वाले से, मेरे सामने वाले से, पूरा मेला वाले खड़े है मेरे। कौन कौन है लोग? एक का नाम वो है अफसर है, और अफसर लेके आया जी उनको, मैं थी नहीं यहाँ पे। मेरे घर में वालों ने पूछा मैं अपनी मम्मी कहाँ गई हुई थी।
गदरपुर में प्रख्यात वस्तु विशेषज्ञ केंद्र भारती ने कांग्रेस नेता शिल्पी अरोरा के आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस मौके पर वास्तु विशेषज्ञ वीरेंद्र भारती ने कहा कि लोगों में इस समय तनाव का स्तर और चिंता बढ़ती जा रही है और ज्यादातर लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, इसलिए वास्तु का महत्व लोगों के जीवन में बढ़ जाता है। देखिए, हमारी वैदिक परंपरा में वास्तु का बहुत बड़ा स्थान है। कोई भी इंसान अपने घर में, अपने ऑफिस में अगर वास्तु के हिसाब से नहीं चलता तो उसको लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और उसका मोस्ट ऑफ द टाइम उन दिक्कतों से निपटने में लग जाता है। वो अपनी लाइफ में जहाँ पे पहुँचना चाहता है, वो जो होना चाहता है, वो हो ही नहीं पाता। तो उस सारे समय को बचाने के लिए, जबकि सपोज कीजिए एक आदमी है वो वास्तु पे यकीन करता है, एक आदमी यकीन नहीं करता। जो आदमी यकीन करता है उसने वास्तु के हिसाब से बनाया, जो यकीन नहीं करता उसने नहीं बनाया, जबकि वो बना सकता था। तो मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो लोग पहले नहीं बनाते और बाद में परेशान होते हैं, फिर उसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ आपने बनानी है, आपने लाखों करोड़ों रुपये घर में लगाने हैं, तो बेटर है कि अगर आप वो वास्तु के हिसाब से बना देंगे तो जो हमारी वैदिक परंपरा चली आ रही है उसको फॉलो करते हुए आप देखेंगे कि वास्तु का मतलब भी वासती है, यानी आप जहां पर वास करते हैं उससे पूर्ण सुख सुविधाएं आपको किस तरह से मिल सकती हैं। गदरपुर के सरोवर नगर गांव में गौवंश संरक्षण स्कोर टीम ने छापेमारी कर एक व्यक्ति के घर से गौमांस बरामद किया। मामले का खुलासा करते हुए प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने गौवंश संरक्षण स्कोर टीम ने सरोवर नगर गांव में छापेमारी की, जिसमें गदरपुर की स्थानीय पुलिस ने सहयोग किया। सरोवर नगर गांव में आज गौवंश स्क्वाड पुलिस वालों के द्वारा कुछ मांस पकड़ा गया, जिसकी पुष्टि के लिए हमें यहां बुलाया गया है और एग्जामिनेशन के उपरांत प्रथम दृष्टया ये प्रतिबंधित मांस लग रहा है गौवंश का और आगे के परीक्षण के लिए इसे हम सील करके पशुलोक ऋषिकेश प्रयोगशाला भेज रहे हैं। जी देखिए, आज दोपहर हमारे रेंज की गौवंश स्क्वाड टीम है, इनको सूचना मिली थी कि सरोवर नगर में एक मुन्ना कुरैशी है, उसके घर में गोकशी की जा रही है। सूचना पर इनके द्वारा मौके पर छापेमारी की गई और इसमें थाना गदरपुर पुलिस से भी सहयोग लिया गया। मौके से एक व्यक्ति मुन्ना कुरैशी को लगभग 1.5 क्विंटल गौवंशी मांस के साथ गिरफ्तार किया गया है और इसमें अन्य जो कुछ और व्यक्ति सम्मिलित होते हैं इसके बारे में विस्तृत विवेचना की जा रही है। जी इसमें देखिए, इसमें मौके से जो है मांस को काटने के औजार हैं और तोलने के उपकरण तराजू इत्यादि हैं और कुछ अन्य सामान भी हैं, तो इन सबको जो है फर्द बना के थाने में जमा किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग पर बाइक और स्कूटी की भिड़ंत हो गई। दरअसल राजमार्ग पर गिट्टी लादकर खड़ी ट्रक के नीचे जाने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर स्थिति में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।